नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पड़ोती वाले मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA जो गोरखपुर का प्रांत है, वहां पे नई बिल्डिंग के शिलान्यास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी का आज आगमन हुआ था। उनके करकमलों के द्वारा जो है आज के ऐतिहासिक दिन पर IMA बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। IMA से क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके की नई तकनीकी सुविधा से जोड़कर देखा जाएगा, इसके लिए आज आगमन हुआ था स्वास्थ्य मंत्री जी का। कितनी सुविधाएँ पूरे पूर्वांचल मिल पाएंगी, स्वास्थ्य सेवा में किस तरीके से नई बढ़ोतरी होगी, इन सभी विषयों पर चर्चा हमारी खास बातचीत हुई थी जय प्रताप सिंह जी। गोरखपुर क्षेत्र का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से उनके अपना नया भवन बनाने के संबंध में आज उनका शिलान्यास का कार्यक्रम था, उसी में हम लोग उपस्थित होकर अपनी बात रखे थे। उत्तर प्रदेश में सर कोरोना के जो केसेस हैं 8000 अभी कल के दिनांक में, कितनी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तन्मयता से लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश में दो लहरों को देखने के बाद हम लोग ने जो तैयारी की थी प्रधानमंत्री के केयर फंड के माध्यम से, CSR फंड से, जितने भी जनप्रतिनिधि उनके फंडों से माध्यम से सारे ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे लगभग 551 56,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1,80,000 बेड्स की व्यवस्था, इनका दवाई से संबंधित इनके सारे उपकरण और इनके मैन पावर का लगातार मॉक ड्रिल के माध्यम से इन सब को हम लोगों ने ट्रायल भी कर लिया है और तैयारी भी कर ली है। और जैसे जैसे केसेस हमारे अभी फ़िलहाल खाली होम आइसोलेशन में आ रहे हैं, मगर यदि कोई केसेस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी पूरी तैयारी है। आइए खास बातचीत कराते हैं IMA अध्यक्ष शिवशंकर शाही जी से और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ करते हैं इस पूरे IMA बिल्डिंग के निर्माण में और आने वाली जो नई चुनौतियां हैं उसके संबंध में। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो गोरखपुर प्रांत है उसके आप अध्यक्ष हैं डॉक्टर शिवशंकर शाही, और बड़ी लगन से हमने पिछले कोरोना का भी हाल देखा था, मैंने उनसे खास बातचीत भी की थी। जितनी तत्परता से उन्होंने अपने कोरोना में अपने हाथों को फैला के लोगों की सेवा कार्य करने का काम किया था वह काबिले तारीफ था। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शिवशंकर शाही अध्यक्ष IMA गोरखपुर जी। आज सर स्वास्थ्य मंत्री जी का आगमन होता है और IMA की एक नई सौगात जो है गोरखपुर ने पूरे पूर्वांचल को देखे जाते हैं, कितना नया बल मिलेगा आगामी आने वाली नई चुनौतियों के संबंध में? देखिए, कोरोना की दो चुनौतियों का सामना जब हम कर रहे थे, पहली चुनौती में कंप्लीट लॉकडाउन था, लोग आते थे बॉम्बे से, भूखों रहते थे, रेलवे स्टेशन पर खाने की व्यवस्था से लेकर बस स्टेशन में खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था IMA करता था, और लॉकडाउन की वजह से दूर दराज के मरीज नहीं आ पाते थे तो उनको हम वीडियो कॉलिंग करके कन्फ्रेंसिंग करके हर विधा के डॉक्टर करते थे, मरीज से सवाल जवाब होता था, उनकी दवा लिखी जाती थी और दवा पैक करा कर उनके घर पहुँचाई जाती, चाहे बढ़लगंज का हो चाहे देवरिया का हो, चाहे कहूँ पहुँचाई जाती थी। सेकेंड फेज में कोरोना काफ़ी तेज आया, संसाधनों की क्राइसिस के बाद भी हम उससे दो हाथ मिलाए और कोरोना पर विजय हासिल किए। इसमें IMA के कई चिकित्सक ने अपनी जान की आहुति भी दी, प्राणों की कई लोगों के गए, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे और कोरोना पर विजय पाए हैं। तीसरी लहर की संभावना है, उस पर हम लोग तैयार किए हुए हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी को होने से रोकना ही सरल और आसान तरीका है। अभी हम लोग का जोड़ है मैक्सिमम वैक्सीनेशन, फेस मास्क एंड कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना। IMA भवन बनने के बाद मेरे पास कम से कम मेरा अपना घर होगा जहाँ से हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी हम जैसे देखिए गुरुलावार होता है, लोग जंगल में रह के तैयारी करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो अलग है और एक सन ठिकाने पर के लड़ाई करना अलग है। अब मेरे पास एक ठिकाना होगा, मेरा अपना घर होगा जहाँ से हम अच्छी से अच्छी तैयारी करके और किसी भी प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा, कोरोना नहीं, बाढ़ भी आती है हर साल, भूकंप भी आ सकता है या कभी इंसेफ्लाइटिस टाइप की नई बीमारी भी आ सकती है, हम सतर्क रहना चाहिए। मानव जात के ऊपर कोई भी अगर आपदा आती है तो उससे IMA हमेशा दो हाथ मिलाने के लिए तैयार रहेगा। इस IMA भवन की वजह से हमको काफ़ी बल मिलेगा, काफ़ी पावर मिलेगा। सर मैंने अभी आपका संबोधन भी सुना था, उसमें यह भी कहा गया कि जो IMA का भवन है उसमें हम तकनीकी से लैस रहेंगे और जो हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स की टीम है, वो गायनकोलॉजिस्ट हों, इसके साथ साथ वो बाल रोग विशेषज्ञ हों, उसके साथ ही फिजिशियन हों, सभी की व्यवस्था इस बार IMA ने की। हाँ, सारी देखिए IMA में विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें 4 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं और चूंकि रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई दवाई आ रही है, नए नए औजार आप पसंद आ रहे हैं, तो हम पुराने कैसे अपडेट रहें, किस तरह से रहें, इसके लिए हम हमेशा कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम CME होता है वैसे भी करते रहते हैं, हम अपने घर में करेंगे, चलते रहेंगे ताकि अगर हमारा दुश्मन रंग बदलता है, रूप बदलता है, तो हम ही औजार बदलेंगे, दवा बदलेंगे और उससे लड़ाई करेंगे और निश्चित तौर पर हम उसे विजय हासिल करेंगे। उससे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। हमारे साथ शिवशंकर शाही जी, आप IMA अध्यक्ष हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हमारी पूरी टीम IMA की पूरी टीम जो है नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो कोरोना महामारी के रूप में हो या चाहे कोई
अन्य बीमारियों के रूप में। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारी IMA बिल्डिंग होगी वो अपना घर होगा, अपना वह ठिकाना होगा और हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पूरे गोरखपुर ने पूरे पूर्वांचल वासियों को बेहतर दे सकेंगे। उनका यह भी कहना था कि हमारी टीम में बेहतर डॉक्टर्स हैं, वो गायनकोलॉजिस्ट हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं और तमाम तरीके की जो भी आधुनिक तकनीकी उस सुविधा से लैस हमारे पास उपकरण है जिससे हम बेहतर सुविधा को देकर रोगों का उपचार यथासंभव कर सकेंगे। गोरखपुर से प्रणोति वाली प्रभा साक्षी, न्यूज नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।